नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स. डियर, लीगल रीजनिंग की जो ट्रिक्स हैं उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और इस वीडियो में हम लीगल रीजनिंग पे बेस्ड, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे, और इसके पार्ट्स आपको वीडियो के आते रहेंगे. तो आज हम 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल रीजनिंग जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बेस्ड है वो करने जा रहे हैं. आई होप आपको मेरी बात याद होगी कि आपको केवल प्रिंसिपल पर फोकस करना है. आपके पास जो लॉ की नॉलेज है या चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान में नहीं रखना है. केवल प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करते हुए आपको फैक्ट्स को देखना है. आपको इमोशनल ट्रैप में नहीं जाना है. फैक्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो कंप्लीट है, उसके अलावा आपको कुछ भी इमेजिन नहीं करना, और उसी पे बेस्ड आपको जो है जो 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें से राइट ऑप्शंस जो हैं वो आपको चूज करना है. तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो लीगल प्रिंसिपल है वो देखिए क्या बोल रहा है. वो आपको बता रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल. एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको पता है ऑफर दिया जाता है, ऑफर को ही आप क्या बोलते हैं प्रपोजल होता है. जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है. तो आपको टर्म्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मालूम है. मैं ये मानकर चल रही हूँ, आपको मैं यहाँ टर्म्स नहीं बता रही हूँ, आपने उसके लिए ऑलरेडी मेरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो वीडियोज़ हैं वो देखे हुए हैं. तो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल. तो डियर यहाँ पे फैक्ट्स जो है देखिए क्या दिए हुए हैं. इस प्रिंसिपल पर बेस्ड जो फैक्ट है वो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर. यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, ए मेड अ प्रपोजल टू बी टू सेल अ चेयर फॉर ₹500. बी इज डिजायरस टू बाइंग द सेट चेयर ऑफ ₹400. तो वहाँ पे ये बोला गया था अभी आपको प्रिंसिपल में कि जो एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजल का मिरर इमेज होता है. मिरर इमेज मीन एग्जैक्ट एक्सेप्टेंस वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि प्रपोजल है. मिरर इमेज मीन्स जो प्रपोजल है एक्सेप्टेंस भी वैसी ही होनी चाहिए. तो यहाँ जो है ए जो है वो बी को प्रपोजल तो दे रहा है, ऑफर तो दे रहा है, लेकिन वो ₹500 में ऑफर दे रहा है, लेकिन बी उसको 500 में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, वो उसको 400 में एक्सेप्ट करना चाहता है. यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्रपोजल दिया है वो अलग है, और एक्सेप्टेंस की जो बात है बी की जो डिज़ायर है वो अलग है, वो एज इट इज़ प्रपोजल के इक्वलेंट प्रपोजल जैसी नहीं है. तो यहाँ पे देखिए आपको डिसाइड करना है. यहाँ आपके स्क्रीन पे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं. क्या ये माना जाएगा कि बी ने ए का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया है, बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए. बी में ऑप्शन दिया है बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए. इट इज नॉट क्लियर इफ बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए. इट इज नॉट क्लियर वेदर ए मेड अ प्रपोजल टू बी. तो आपको इन 4 ऑप्शन में डियर राइट आंसर जो है वो चूज करना है. तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो होना चाहिए बी. बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल जो है आपके लीगल प्रिंसिपल में बोला गया था एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल जो है प्रपोजल का मिरर इमेज होती है, लेकिन यहाँ पे प्रपोजल में प्राइस 500 है जबकि जो बी की डिज़ायर है वो 400 है. तो यहाँ पे प्रपोजल के एग्जैक्ट जो है एक्सेप्टेंस नहीं है. इसका मतलब जो है एक्सेप्टेंस है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि बी की जो डिज़ायर वो 400 प्राइस की है जबकि प्रपोजल 500 प्राइस का दिया हुआ है. तो आई होप डियर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो लीगल प्रिंसिपल दिया जाता है उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होकर हमें फैक्ट्स को जो है
वो स्टडी करना है, उसके बाद हमें चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस जो है चूज करने हैं. राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर टू आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में लीगल प्रिंसिपल देखिए क्या दे रहे हैं. एन एग्रीमेंट विद अ बॉय बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. डियर, एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है. मैंने आपको बार बार बताया कि आपके अलग से जो लॉ की नॉलेज है, मे भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा हो तो वहाँ पे 18 ईयर्स की बात आई है, लेकिन वहाँ पे कोई जेंडर नहीं स्पेसिफाई किया गया है, गर्ल और बॉय नहीं स्पेसिफाई किया गया है. तो आपको बाकी सारी अपनी लीगल जो भी आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज है लॉ की, वो आप साइड में रख दीजिए. आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जो लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको उसी पर, केवल उसी पर बेस्ड होकर फैक्ट्स को पढ़ना है. तो यहाँ पे आप गौर करिएगा, एन एग्रीमेंट विद अ बॉय, साफ साफ लीगल प्रिंसिपल में केवल बॉय की बात कर रहा है, और बॉय, अ बॉय बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. यानी कि यहाँ साफ साफ केवल बॉय की बात कर रहा है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं, और 18 ईयर्स के नीचे जो बॉय होता है, लीगल प्रिंसिपल बोल रहा है कि एक एग्रीमेंट बॉय के साथ जो 18 साल के नीचे है वो लॉ के थ्रू एनफोर्सेबल नहीं होगा. अब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर हमें फैक्ट्स को पढ़ना है, हमें उसके किसी इमोशनल ट्रैप या अपने अजम्पशंस बीच में नहीं लाने हैं. बार बार मैं बोल रही हूँ. तो यहाँ पर फैक्ट्स आपके क्या दिए हुए हैं, लीगल फैक्ट्स में आप देखिए क्या दिया हुआ है. अ मैन एंटर्ड इनटू अ एग्रीमेंट विद अ गर्ल ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज. तो अब यहाँ पे जो फैक्ट्स गिवन हैं, वहाँ पे फैक्ट्स में आपने देखा बॉय की तो बात ही नहीं हुई, जबकि लीगल प्रिंसिपल में किसकी बात कर रहे हैं, लीगल प्रिंसिपल में बॉय की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैन जो एंटर हुआ है एग्रीमेंट में वो गर्ल के साथ एंटर हुआ है जिसकी एज 17 ईयर्स है. अब आपको इस फैक्ट्स पे बेस्ड होकर आपकी स्क्रीन पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है. ऑप्शन ए है द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, डी ऑप्शन है द एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, सी ऑप्शन है द एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय द गर्ल, और डी ऑप्शन है नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन. तो डियर आपका आंसर क्या है, आई होप आप राइट आंसर पे पहुंच गए होंगे, और आई होप कि आपने डी ऑप्शन चूज किया होगा, नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन. रीज़न, आप क्यों नहीं कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे, रीज़न प्रिंसिपल में बॉय की बात की गई थी और फैक्ट्स में जो है गर्ल की बात की गई है, जिसके बारे में लीगल प्रिंसिपल में कुछ कहा ही नहीं गया है, तो आप कोई कंक्लूजन भी यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते थे. चलिए, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल था जो क्वेश्चन नंबर टू था, कि आपको अपनी बाकी सारी लॉ की नॉलेज जो है वो साइड रख देनी है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको अजम्पशंस लेके नहीं चलने हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं. तो यहाँ लीगल प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, यहाँ लीगल प्रिंसिपल देखिए बोल रहा है, एन एग्रीमेंट मे बी एंटर्ड इनटू ओरली इन राइटिंग और बाय कंडक्ट. ये लीगल प्रिंसिपल बोल रहा है कि एग्रीमेंट में आप ओरली, राइटिंग और बाय कंडक्ट जो है वो आप एंट्री कर सकते हैं. चलिए फैक्ट्स की बात करते हैं. फैक्ट्स में देखिए क्या बोला है, ए वेंट टू द शॉप ऑफ बी, ए बी की शॉप पे जाता है एंड पिक्ड अ टूथब्रश, टूथब्रश पिक करता है एंड गेव अ चेक ऑफ रुपीज 20 टू बी एंड लेफ्ट द शॉप. और जो 20 रुपीस का जो है वो चेक देता है और शॉप को छोड़ देता है. तो फैक्ट्स यहाँ पे आपके कंप्लीट दिए हुए हैं, अब आपको डिसाइड करना है. आपके सामने स्क्रीन पे फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं. ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बी, बी है ए डिड नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद बी, सी ऑप्शन है पेमेंट ऑफ टूथब्रश कैन नॉट बी मेड थ्रू अ चेक, ए शुड हैव कैरीड अ करेंसी नोट ऑफ रुपीज 20 टू मेक द पेमेंट. तो डियर आपको अपने इमोशनल ट्रैप से बाहर रहना है, आपको कुछ भी अजम्पशन लेके नहीं चलना है कि आप ये अज्यूम करो कि शॉप वाला शायद जो है इतना छोटा पेमेंट कैश में ही लेता हो, वो चेक में नहीं ले सकता, ऐसा कोई भी अजम्पशन आपको लेके नहीं चलना है. आपको मान के चलना है जो फैक्ट्स में इंफॉर्मेशन दी गई है वो कंप्लीट दी है, आपको अपने अजम्पशंस नहीं लगाने हैं. तो अगर हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फैक्ट्स पे
ध्यान देंगे तो आप राइट आंसर पर पहुंच गए होंगे। यहाँ पे बाय कंडक्ट जो है वो ए और बी के बीच जो है एग्रीमेंट हो रहा है, ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद बी बाय कंडक्ट, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डियर आपका ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर पे प्रिंसिपल देखिए क्या बोल रहा है, एन एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री। राइट, तो अगर एग्रीमेंट जो है वो फ्री कंसेंट के बिना हो रहा है तो वो तभी इन्फोर्स हो सकता है जो अग्रीव्ड पार्टी है। राइट, अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे ही वो इन्फोर्स हो सकता है, अदरवाइज वो इन्फोर्स नहीं हो सकता है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको लैंग्वेज तो समझ में आ रही होगी लीगल प्रिंसिपल की। चलिए फैक्ट्स देखते हैं यहाँ पे क्या है। ए ऑब्टेन्स द कंसेंट ऑफ बी टू एंटर इनटू एग्रीमेंट बाय पुटिंग अ गन ऑन द हेड ऑफ बीज गर्ल फ्रेंड। ऑलराइट, तो ए ने बी की कंसेंट जो है वो ली है, कंसेंट ली है, ज़बरदस्ती ली है, उसने बी की गर्लफ्रेंड के सर पे जो है गन रख के जो है जो बी की कंसेंट जो है वो ली है, ये आपका फैक्ट है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख रहे हैं, ऑप्शन ए में कह रहे हैं बी कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट, ऑप्शन बी कह रहा है बी कैन नॉट एनफोर्स द एग्रीमेंट, ऑप्शन सी कह रहा है ए कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट, Neither A nor B can enforce the agreement. तो यहाँ पर आप देखेंगे right answer क्या है। Right answer यहाँ पे aggrieved party अगर आप देखें जिसकी free consent नहीं है तो वो है B. तो B चाहे तो इस agreement को enforce करवा सकता है, B चाहे तो इसको voidable भी करवा सकता है। राइट, तो B के पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो होगा A, B can enforce the agreement. राइट डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी होता है लीगल रीजनिंग, बस आपको लीगल प्रिंसिपल जो लिखा है उसी पर डटे रहना है, आपको अपने एक्स्ट्रा नॉलेज या जो आपने लॉ पढ़ा है उसको यूज़ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में लीगल प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है उसका जो कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट जो पर्पस है या जो कंसीडरेशन है वो अनलॉफुल है तो जो कोर्ट है वो उसे क्या बोलेगा, उसको आप अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोलेगा। और जो भी हर एक एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल होता है वो वॉइड होता है, यानी उसकी कोई भी लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती, ये आपको लीगल प्रिंसिपल में बोला गया है। फैक्ट्स देखते हैं, फैक्ट्स यहाँ पे देखें क्या है। ए प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड बी प्रोमिसेस टू पे ₹5 लाख टू ए। ए बी को जॉब दिलवाने के लिए पब्लिक सर्विस में जॉब दिलवाने के लिए प्रॉमिस कर रहा है और बी उसको प्रॉमिस कर रहा है कि बदले में ₹5 लाख जो है वो ए को प्रोवाइड करेगा। तो डियर आपको पता है पब्लिक सर्विस में ऐसे ही कोई जॉब नहीं दिलवा सकता है, उसके लिए एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ही जो है जॉब की श्योरिटी हो सकती है। तो ये जो काम है ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें कंसीडरेशन जो है कि आप पब्लिक सर्विस में एम्प्लॉयमेंट दिलवाना, ये कंसीडरेशन जो है वो लॉफुल नहीं है, वो अनलॉफुल है। राइट, तो ये एग्रीमेंट अगर मैं लीगल प्रिंसिपल के पर बेस्ड होकर ये फैक्ट्स देखूँ, फैक्ट्स में देखा जाए तो एग्रीमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपको डिसाइड करना है। आपके सामने स्क्रीन पे फोर ऑप्शंस हैं, देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, आई होप ये ऑप्शन आपने चूज नहीं किया होगा। देयर इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, वॉइडेबल की तो यहाँ पर बात ही नहीं है। देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी विच कैन बी एनफोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो यहाँ पे एग्रीमेंट आपको समझ में आ रहा है कि जो फैक्ट्स दिए हुए तो उसके अकॉर्डिंग तो अनलॉफुल है यानी कि वॉइड है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी विच कैन नॉट बी एनफोर्स
enforced by the court of law. यानी कि आपको अपना right option मिल गया है और right option यहाँ पे डियर डी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा और ये बहुत ईजी लग रहा होगा. केवल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ जो लीगल प्रिंसिपल है उसी को पढ़ना है, उससे बिल्कुल नहीं भटकना है, उसी को सही मानना है. भले ही वो आपको कुछ अलग सा लगे, कुछ ऊटपटांग लगे, लेकिन आपको उसी को मानकर चलना है. अपनी एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है. चलिए, एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड लीगल प्रिंसिपल था. फैक्ट्स देखते हैं क्या है. ए मेड अ प्रपोजल टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू बी फॉर रुपीज 25,000. ये जो है ऑफर दे रहा है 25,000 में, प्रपोजल दे रहा है 25,000 में. बी जो है उसको 24,000 में बाय करने के लिए एग्री हो रहा है, एग्री कर रहा है. लेकिन यहाँ पे बी एज इट इज़ जैसा प्रपोजल दिया गया है उसको एग्री नहीं कर रहा है. डी जो है बी का प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हैं 24,000 है. यानी कि उसने कंडीशन लगा दी है एक्सेप्टेंस की 24,000. ए सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू सी फॉर रुपीज़ 26,000. तो ए ने जो है वो मोटरसाइकिल सी को सेल कर दिए 26,000 में नेक्स्ट डे में. बी जो है ए के ऊपर, बी सूज ए फॉर डैमेजेस. बी जो है ए के ऊपर डैमेजेस के लिए जो है केस कर देता है. तो यहाँ पे आपको चीज़ें डिसाइड करनी है. क्या बी यहाँ पर ए के ऊपर डैमेजेस के लिए केस कर चुका था, कर सकता है, ये आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है. चलिए आपके सामने ऑप्शन है. बी विल गेट डैमेजेस फ्रॉम ए. डियर मुझे नहीं लगता आपने ये ऑप्शन चूज़ किया होगा. रीज़न बी और ए और बी के बीच जो एग्रीमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो तो हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है. क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए. और बी ने यहाँ प्राइस चेंज करके जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया है. तो यहाँ पे बी विल गेट डैमेजेस फ्रॉम ए हो ही नहीं सकता है. ऑप्शन बी देखिए, बी विल गेट द डिफरेंस ऑफ रुपीज 1,000 ओनली. ये भी गलत है. बी कैन प्रोसीड अगेंस्ट सी. बी क्या ए के ऊपर केस कर सकता है, जब बी ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो सी के अगेंस्ट भी प्रोसीड नहीं कर सकता है. तो हमारा ऑप्शन बचा डी. डी क्या है, बी विल नॉट गेट एनी डैमेजेस फ्रॉम ए. यस, दिस इज राइट आंसर. क्योंकि ए और बी के बीच कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं. क्योंकि ऑफर में, जब प्रपोजल में उसने कंडीशन लगा दी, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस जो है वो अनक्वालिफाइड नहीं रह गई यहाँ पर. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पे है. एन ऑफर मेड बाय वन पार्टी व्हेन एक्सेप्टेड बाय अनदर मेक्स इट अ कॉन्ट्रैक्ट. एक ऑफर जो एक पार्टी दे रही है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले रही है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ये प्रिंसिपल कहता है. चलिए देखते हैं फैक्ट्स में क्या क्या दिया है. फैक्ट्स में यहाँ बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिए हैं, चलिए वन बाय वन पढ़ लें. पहला पढ़ते हैं. पी ऑफर टू सेल हिज हाउस फॉर रुपीज 20 lakhs टू आर. आर टोल्ड पी दैट ही वॉज इंटरेस्टेड टू बाय अ हाउस फॉर 15 lakhs ओनली. तो जो पी ने ऑफर दिया है, आर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, एक कंडीशन लगा दी है. सेकेंड वाला देखते हैं. सी वॉज लुकिंग फॉर अ हाउस फॉर नॉट मोर देन 25 lakh. पी इन्फॉर्म्ड सी दैट हिज हाउस वॉज अवेलेबल फॉर 20 lakh. सी जो है घर देख रहा है, उसको 25 lakh से ज़्यादा का घर नहीं चाहिए. पी सी को इन्फॉर्म करता है कि उसका जो घर है वो 20 lakh का अवेलेबल है. तो यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन ऑफर के एक्सेप्टेंस की, मतलब पी जो है सी को ऑफर दे रहा है, पी जो है सी को ऑफर दे रहा है, लेकिन अभी सी की तरफ से एक्सेप्टेंस की कोई भी यहाँ पर बात नहीं है. चलिए थर्ड पढ़ते हैं. कि वांटेड टू बाय सम ओल्ड फर्नीचर. के जो है ओल्ड फर्नीचर बाय करना चाहता है. एल जो है के को बताता है, एल टोल्ड के दैट ही वुड सेल हिज फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000. तो यहाँ पे भी सेकंड जैसा हो गया, एल ने के को ऑफर दिया है, लेकिन के ने अभी कोई जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं बताई है. राइट. आर एडवर्टाइज टू सेल हिज ओल्ड कार फॉर अ प्राइस ऑफ रुपीज 3 lakhs. एस पाउंड द, ये फिफ्थ नंबर गलती से आ गया है,
has found the advertisement and offered to buy it for ₹2,50,000 or agrees to sell it to S. तो R ने advertisement निकाला था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 लाख का एडवर्टाइजमेंट निकाला था आर ने पहले ऑफ़र किया, लेकिन क्योंकि एस ने एडवर्टाइजमेंट देखा और उसको 2,50,000 में डिमांड कर रहा है, यानी कि आर का जो ऑफ़र है वो आर ने जो एस को आर ने जो जर्नल ऑफ़र दिया था तो आर के ऑफ़र को एस ने रिजेक्ट कर दिया है और एक काउंटर ऑफ़र जो है एस ने आर को दिया है, तो एस जो है अब आर को एक नया ऑफ़र दे रहा है जिसको हम काउंटर ऑफ़र के नाम से जानते हैं, राइट. और आर जो है इस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस जो है वो दे दे रहा है एस को. तो जो ओरिजिनल ऑफ़र था आर का वो तो आपका रिवोक हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, क्योंकि एस ने एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर एक क्वालिफिकेशन लगा दी और क्वालिफिकेशन के साथ जब वो बोल रहा है तो इसका मतलब एस जो है वो आर को एक नया ऑफ़र दे रहा है जिसको आर एग्री कर ले रहा है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर का ओरिजिनल ऑफ़र जो है कैंसिल हो गया काउंटर ऑफ़र से, काउंटर ऑफ़र जो है एस ने आर को दिया और यहाँ आर ने एस के ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लिया है. तो अगर देखा जाए तो इन 4 सिचुएशन में लास्ट वाले 4th में ही एक्सेप्टेंस की बात की गई है. चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. तो ऑप्शन ए में है सिचुएशन 1 and 2 आर कॉन्ट्रैक्ट्स. 1 and 2 में तो कॉन्ट्रैक्ट था नहीं डीए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन खत्म होता है. सिचुएशन 4 ओनली इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए. सिचुएशन 3 हमारे कॉन्ट्रैक्ट थी नहीं, एंड सिचुएशन 2 and 4 आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी ऑप्शन नहीं आता है. तो केवल सिचुएशन 4 जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में. चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है. एन एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज वॉइड एंड डज नॉट कंस्टिट्यूट एन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. एक एग्रीमेंट जो किसी मैरिज को रोकने के लिए किया जाता है वॉइड है और ये एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये आपका लीगल प्रिंसिपल बोल रहा है. फैक्ट्स देखते हैं क्या है. ए प्रॉमिस करता है, ए प्रोमिसज टू पे ₹20,000 टू बी, ए बी को ₹20,000 देने का प्रॉमिस करता है. इफ़ बी डज नॉट मैरी सी, अगर बी जो है सी के साथ मैरिज नहीं करता है, बी मैरिज डी एंड देयर आफ्टर क्लेम ₹20,000 फ्रॉम ए एज द लॉ गवर्निंग, बी अलाउज हिम टू हैव ओनली 1 वाइफ. ऑलराइट, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ए जो है बी को बोलता है कि ₹20,000 देगा अगर बी जो है सी से मैरिज नहीं करेगा, बी जो है वो डी से मैरिज कर ले तो फिर जो है वो ए से ₹20,000 की डिमांड कर रहा है क्योंकि बी को केवल एक ही वाइफ रखना अलाउड है, तो अब ऑब्वियस सी बात है वो सी से मैरिज नहीं कर सकता है. ये जो है फैक्ट्स बताए जा रहे हैं. देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन में से डिसाइड करना है. ऑप्शन ए है बी कैन क्लेम ₹20,000 फ्रॉम ए, तो डियर आपने लीगल प्रिंसिपल में पढ़ा था कि किसी को मैरिज से रोकने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉइड है. तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ए और बी के बीच का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा क्योंकि ए जो है बी को मैरिज करने के से रोक रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वॉइड है तो उसे आप लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं कर सकते, तो ए ऑप्शन गलत है. बी कैन नॉट क्लेम ₹20,000 फ्रॉम ए, ये मुझे राइट लग रहा है. चलिए सी भी एक बार देख लेते हैं. बी कैन नॉट क्लेम एनीथिंग फ्रॉम ए बिकॉज ही वॉज नॉट सपोज टू मैरी डी, यहाँ पे क्लेम ना करने का जो रीज़न बताया है बिकॉज ही वॉज नॉट सपोज टू मैरी डी ये सही नहीं लग रहा है. और डी में कह रहे हैं डेटा इज इनसफिशियंट, तो डियर आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑब्वियस सी बात है बी ही होगा. बी कैन नॉट क्लेम ₹20,000 फ्रॉम ए बिकॉज ये वाला जो एग्रीमेंट था ये आपका वॉइड एग्रीमेंट था. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए लीगल प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा.
कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट्स नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. कंसेंट तब स्वतंत्र मानी जाती है अगर वो कोर्शन यानि उत्पीड़न, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड यानि धोखा, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से इन्फ्लुएंस ना हो. When consent to an agreement is caused by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. Right, तो जिसकी जो aggrieved party थी अगर उसकी consent free नहीं है तो इन्होंने कहा कि contract क्या होता है, voidable होता है. तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर facts क्या है. A threatens to kill B by shooting him with a gun if B does not sell his land to A for ₹10,000. A B को मारने की धमकी देता है कि वो उसे शूट कर देगा गन से अगर B उसको अपनी ज़मीन जो है 10,000 में नहीं बेचता है. Pursuant to A's threat, B agrees to sell his land to A. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोर्शन हुआ है, उत्पीड़न किया गया है A के थ्रू B को, राइट, और लैंड बेचने पे विवश किया गया है. तो यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी जो है जिसकी ज़बरदस्ती कंसेंट ली गई है वो आपकी B है, राइट. चलिए डिसाइड आपको करना है, ऑप्शंस हैं आपके सामने स्क्रीन पे. देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A एंड B, बी ऑप्शन है. देयर इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन A एंड B विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. देयर इज़ an agreement between A and B which cannot be enforced by the court of law. There is a contract between A and B which voidable at the option of B. तो अगर B इस fact को disclose करता है कि हाँ उसके साथ coercion उत्पीड़न हुआ था, उसकी consent जो थी वो free नहीं थी, तो obvious सी बात है ये जो contract है A और B के बीच ये voidable हो जाएगा. तो यहाँ screen पर आपका right answer है D. चलिए डियर क्वेश्चन 10 देखते हैं. देखिए यहाँ पे आपका लीगल प्रिंसिपल क्या है. एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर पर्सन एज बिलो 18 इयर्स इज वॉइड एंड डज नॉट कंस्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट जो माइनर के साथ किया जाए वो वॉइड होगा क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. फैक्ट्स देखिए, ए अ बॉय ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज एग्रीज टू बाय अ पेंसिल बॉक्स फ्रॉम बी Who is a girl of 21 years of a age. A boy है जो कि 16 साल का है, उसका agreement होता है एक girl के साथ जो 21 years की है. तो यहाँ पर एक party A जो है minor है legal principle के according, और यहाँ पर pencil box buy करने का A जो है B के साथ वो agreement कर रहा है. Options देखते हैं. There arises a contract between A and B to sell और बाय द पेंसिल बॉक्स. डी ये ऑप्शन हो नहीं सकता है लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. ए जो था माइनर था और माइनर के साथ कोई भी किया गया एग्रीमेंट वॉइड होगा. बी देयर अराइजेज एन एनफोर्सेबल एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी टू सेल और बाय द पेंसिल बॉक्स. सी देयर डज नॉट अराइज एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी टू सेल और बाय द पेंसिल बॉक्स. डी नन ऑफ द अबव. तो डियर आई होप आपको राइट आंसर मिल गया होगा. येस राइट आंसर सी है क्योंकि ए और बी के बीच जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आपका वॉइड है. तो डियर आपने देखा कि लीगल रीजनिंग में कभी कभी लीगल प्रिंसिपल्स बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखना है क्योंकि जैसा अभी एक बॉय वाला यहाँ पर आया था आपका सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में 18 ईयर्स के नीचे जो बॉय वाला था, वैसा हमारा हमने नहीं पढ़ाया. हमने हमारे एक्चुअल में लॉ में कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है बॉय और गर्ल के रिगार्डिंग, लेकिन वहाँ पे लीगल प्रिंसिपल स्पेसिफिकली बॉय के रिगार्डिंग दिया था. तो डियर ये बात याद रखिएगा, लीगल प्रिंसिपल वो भी आ सकते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. कभी कभी ऐसे आएंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि वो लीगल प्रिंसिपल गलत है, राइट, जो लिखा हुआ है एक्चुअल में वो ऐसा है नहीं, लेकिन आपको वो जो भी आपने पढ़ा है उसको साइड में रख देना है. जो लीगल प्रिंसिपल वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को एग्जैक्ट सही मानकर आपको फैक्ट्स पढ़ने हैं, उसी लीगल प्रिंसिपल पे बेस्ड होकर फैक्ट्स का एनालिसिस करते हुए आपको चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस
जो राइट ऑप्शन है वो चूज करना है, राइट डियर। तो इस बात का ख्याल आपको लीगल रीजनिंग में रखना है। यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस उठाए थे, नेक्स्ट पार्ट में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 10 क्वेश्चंस उठाऊंगी। फिर उसके बाद जो आपके कोर्स में अदर है, आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके रिगार्डिंग भी जो लीगल रीजनिंग है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। बट आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे लीगल रीजनिंग को सॉल्व करना है। तो आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी सोर्सेज हैं, उनके थ्रू अब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स डियर, कीप लर्निंग।